अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मुझे सपोर्ट करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं जिससे आपको मेरे नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। प्लीज दोस्तों मुझे सपोर्ट करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हेलो दोस्तों, अनीता आज रसोई में आपका स्वागत है। चलिए दोस्तों, आज बनाएंगे बहुत ही टेस्टी चीज रोल। तो चलिए दोस्तों, बनाना शुरू करते हैं। चीज रोल बनाने के लिए हम लेंगे एक बड़े साइज का ग्रेट किया हुआ आलू। अगर आपके पास छोटे साइज का है तो चार या पांच ले लें। अब इसमें हम कुछ मसाले मिक्स करेंगे। आलू में मिक्स करेंगे हम एक मीडियम साइज का प्याज, थोड़े से लहसुन, थोड़े से हरी मिर्च और हाफ इंच कद्दूकस किया हुआ अदरक। इसे हम आलू में मिक्स कर लेंगे। एक टेबल स्पून मैगी मसाला, जो मैगी में आता है उसी मसाले को हम ले लिए हैं। आप इसके जगह पे गरम मसाला भी ले सकते हैं। हाफ टी स्पून चिली फ्लेक्स, दरदरा कूटा हुआ लाल मिर्च, एक चम्मच लेंगे ओरिगेनो। अगर आपके पास है तो इसे जरूर डालकर बनाएं। दो तीन पिंच लेंगे हल्दी, नमक अपने टेस्ट के अनुसार लेंगे। हाफ चम्मच से थोड़ा सा ज्यादा नमक लिए हैं। बारीक कटा हरा धनिया और अब मिक्स करेंगे मैदा। चार पांच चम्मच मैदा लेंगे, एकदम टाइट डो बनाएंगे इसका हम, उतना मिक्स कर लेंगे मैदा। पहले हम चार चम्मच ही लेंगे, अगर लगेगा जरूरत तो थोड़ा सा और ले लेंगे। इसके जगह पे आप चावल का आटा भी ले सकते हैं, कॉर्नफ्लोर भी ले सकते हैं। और लेंगे एक चम्मच रिफाइन ऑयल। अब इसे मिक्स करेंगे अच्छी तरह से और टाइट डो तैयार कर लेंगे। डो हमारा गीला गीला लग रहा है, इसमें हम दो तीन चम्मच मैदा और मिक्स कर लेंगे। ये रेसिपी बच्चों को बहुत पसंद आता है चीज रोल। बड़ों को तो पसंद आएगा ही, लेकिन बच्चे इसे बहुत पसंद से खाते हैं, तो इस तरीके से जरूर बनाएं। डो हमारा तैयार है, अब इसे हम साइड में रखते हैं। इसमें मैदा आप टाइट डो बनाने जितना डाल लें, इसमें फिक्स नहीं है कि मैदा कितना लगेगा, जितना लगेगा इस तरह का डो तैयार कर लेंगे हम। अब इसे साइड में रखते हैं और रोल के लिए एक घोल तैयार करते हैं। एक कटोरी लेंगे और इसमें डालेंगे दो तीन चम्मच मैदा। आप इसके जगह पे कॉर्नफ्लोर भी ले सकते हैं या चावल का आटा भी ले सकते हैं। तो तीन चम्मच मैदा लेंगे, हाफ टी स्पून काली मिर्च पाउडर और थोड़ा सा नमक। अब इसका हम घोल बना लेंगे। इसमें पानी मिक्स करेंगे और पतला घोल तैयार कर लेंगे। पानी थोड़ा थोड़ा डालेंगे, एक बार में पूरा पानी नहीं डालेंगे, नहीं तो इसमें गुठली बन जाएगा। घोल हमारा बन के रेडी है, बस ऐसा ही घोल तैयार करना है। बहुत ज्यादा पतला भी नहीं, लेकिन बहुत ज्यादा गाढ़ा भी नहीं। और ये है ब्रेड क्रम्स, इसे मैंने घर में ही बनाया है। दो ब्राउन ब्रेड छोटे छोटे टुकड़े में तोड़कर इसे मिक्सी जार में डाल दिए और ग्राइंड कर लिए, तो ये बनके तैयार हो गया है। आप चाहें तो इसे रोस्ट करके डब्बा में बंद करके लंबे समय तक रख सकते हैं। ये चीज है, आप चीज कोई भी यूज कर सकते हैं जो आपके पास है या जो आप पसंद करते हैं। ये मोजरेला चीज है, इसे मैंने छोटे छोटे क्यूब में काट लिया है। आप कोई भी ले सकते हैं, क्यूब वाला या स्लाइस वाला, आपको जो आसानी से मिल जाए। तो चलिए अब रोल बनाते हैं। अब हम रोल तैयार करेंगे। रोल तैयार करने से पहले हाथ को हम चिकना कर लेंगे ऑयल लगाकर, और एक छोटा छोटा पार्ट हम तोड़ेंगे इससे और इस तरीके से लोई बना लेंगे और इसे फैलाएंगे और थोड़े थोड़े चीज यहाँ पे डाल देंगे और एक तरीके से इसे रोल करेंगे। आप चाहें तो बॉल भी बना सकते हैं इसका, लेकिन आज हम रोल बना रहे हैं। और चारों तरफ से इसे हम अच्छी तरह से बंद कर लेंगे ताकि चीज फ्राई करते समय बाहर ना आए, और इसे सिलेंडर का शेप हम दे देंगे। अब इसी तरीके से हम सारे रोल तैयार कर लेंगे। सारे रोल बना लिए हैं, अब इसे हम डिप करेंगे। ये जो पतला सा घोल बनाकर तैयार किए हैं इसमें डिप करेंगे। पहले इसे मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से और ब्रेड क्रम्स भी रख लेंगे और
एक एक रोल उठाएंगे और इसमें डिप करेंगे। इसमें डिप करने के बाद ब्रेड क्रम्स में लगाएंगे इसे और इसे इस तरीके से मिक्स करेंगे। बहुत क्रिस्पी और बहुत टेस्टी बनके तैयार होगा रोल। इसी तरीके से सारे रोल में हम ब्रेड क्रम्स लगा लेंगे। सारे रोल पे ब्रेड क्रम्स लगा लिए हैं, अब इसे हम फ्राई करेंगे। आप चाहें तो इसे डब्बा में ढक्कन लगाकर रख दें फ्रीजर में और एक सप्ताह तक इसे आप यूज कर सकते हैं। जब भी मन करे इसे आप निकाल के फ्राई करके खा सकते हैं। चलिए अब इसे फ्राई कर लेते हैं। ऑयल हम गरम कर लिए हैं, आंच हम मीडियम फ्लेम रखेंगे और इसमें हम एक एक करके डालेंगे और इसे फ्राई करेंगे। बिना फटे ये फ्राई हो जाता है, बहुत टेस्टी एकदम क्रिस्पी बनके तैयार होता है। तुरंत इसे नहीं चलाएंगे, थोड़ा सा रुक जाएंगे। रोल फ्राई हो गए हैं, एकदम क्रिस्पी हो गए हैं, अब हम इसे निकाल लेंगे और इसी तरीके से हम सारे रोल फ्राई कर लेंगे। रोल हमारा बनके तैयार है, इस तरीके से आप भी जरूर बनाएं दोस्तों। बहुत आसान तरीके से बन जाता है और बच्चों को बहुत पसंद आता है। अब हम इसे सर्व करेंगे। एकदम टेस्टी और एकदम क्रिस्पी रोल बनके तैयार है।